बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर बाइक स्पेशलिस्ट चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने 8-10 रोज़ पहले एक वीडियो अपलोड की थी, ये वाली वीडियो अपलोड की थी, इसमें हमने आपको बताया था, बल्कि दिखाया भी था कि 280 वाट की दो प्लेटें हमने लगाई थी, जिस पर 3-4 पंखे चलाए थे, टेबल फ़ैन वगैरह चलाया था और जो 7-8 लाइटें थी वो चलाई थी। इसमें मुकम्मल तो ये वीडियो है वो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें प्रॉपर हमने बताया है कि उस पर कितना खर्चा आया है, क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, किस चीज़ें से। अच्छा, अभी आज जो हम करने लगे हैं इसी 280 वाट की दो प्लेटों पर, हम इसमें क्योंकि ये जो सिस्टम हमने किया है, ये वाला ये डीसी सिस्टम है, तो इसमें हम जो एसी वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी फ्रिज होगी, वॉशिंग मशीन वगैरह होगी, जूसर मशीनें वगैरह होगी, या टीवी एलसीडी वगैरह होगी, वो किस तरीके से चलाएंगे, तो उसके लिए हम ये इन्वर्टर लेके आए हैं 1500 वाट का। इसके साथ अभी आपको चला के भी दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें चलती। तो दोस्तों, अभी इस पर लोड डालते हैं एसी सिस्टम का, अभी आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से इसका। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो इन्वर्टर है ये डीसी से एसी करता है, मतलब कि 12 वोल्ट से ये 220 वोल्ट हमें करंट देगा और 1500 वाट तक इस पर हम लोड डाल सकते हैं। इसके पहले अभी आपको लोड चला कर दिखाते हैं। दो तारें इसकी सिर्फ निकली होंगी, एक आपने लगा लेनी है नेगेटिव के साथ और दूसरी तार जो लगनी है वो पॉजिटिव के साथ। तो अभी इसके अभी इस पर लोड चलाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये तो दोस्तों, जैसा कि ये अभी हमारे पास ये वॉशिंग मशीन है, तो इसका अभी हम ये स्विच लगाते हैं इन्वर्टर में, तो इसको आपको चला कर दिखाते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ इसके साथ ये हमने वॉशिंग मशीन का स्विच लगा दिया और यहाँ से इसका ये बटन ऑन कर दिया। तो दोस्तों अभी इसे चलाते हैं। तो ये दोस्तों अभी जो हमारी ये वॉशिंग मशीन है वो सोलर प्लेटों पर चल रही है और अच्छी खासी स्पीड है, जैसे नॉर्मल बिजली के ऊपर चलती है उसी तरीके से इसकी ये जो चल रही है दोस्तों। तो ये अभी आपको फिर से दिखा दूँ, ये इसके दोस्तों तार है, यहाँ हमने ये इन्वर्टर के साथ लगी हुई है। अच्छी खासी स्पीड है, ज़रा ये कैमरे में आपको इस तरह से महसूस हो गया कि जैसे स्पीड इसकी अच्छी खासी है। तो दोस्तों यहाँ हमें ये पावर ऑन वाला बटन भी मिलता है, यहाँ से हम इसे बंद कर देते हैं। तो अच्छा, ये अभी आपको दिखाया है ये वॉशिंग मशीन इस पर चलाई है। दोस्तों ये 1500 वाट का है, इसमें हमें 2000 वाट में मिल जाता है, 3000 वाट में मिल जाता है। एक मैंने आपको बात बतानी थी कि जो ये इन्वर्टर है दोस्तों, ये जितने वाट का होता है, हम अगर उससे आधा इस पर लोड डालेंगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा। गाय साथ में इससे के साथ हमें, मैं अभी आपको उतार के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये 1500 वाट का है, इसमें आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 2000 वाट 3000 वाट का मिल सकता है। अच्छा दोस्तों, ये एक आपको मैं बता दूं कि ये आपने इसको रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चलेगा 2-3 घंटे, आपने उसके बाद इसको कमों पे शादा पौना घंटा इसको रेस्ट देनी है। तो अगर रेगुलर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो फ्यूज़ वगैरह है वो जल्दी सड़ जाते हैं, बकाया इसको इसका मसला नहीं बनता। यहाँ फ्यूज़ लगे हुए हैं पीछे, तो वो हीट अप होने की वजह से, वैसे तो फ़ाइन भी लगा हुआ है नीचे, उससे ये ज़रा ठंडा वगैरह रहता है। तो ये आप लगा कर इससे जो अपने घर का जो सिस्टम है, जिसमें जो आपकी एसी वाली चीज़ें हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, टीवी एलसीडी वगैरह होगी, रिसीवर वगैरह होगी, जूसर मशीनें वगैरह होगी, जैसे ये अभी वॉशिंग मशीन चलाई है, इसी तरह आप इस पर जो जो चीज़ें आपने चलानी है वो इस पर चला सकते हैं आप। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इसका मुकम्मल बताया आपको तरीका, इसके इस पर जो आप वॉशिंग मशीन चलाकर दिखाई है। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड होती हैं उसमें बताया जाता है कि इसको आप जिस पर मर्ज़ी यूज़ कर लें, जैसा मर्ज़ी कर लें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चीज़ें जो उनसे होती हैं, ये ख़ासकर ऐसे जो इन्वर्टर हैं दोस्तों, ये सिर्फ आरजी होते हैं। हाँ, ज़रूरत के टाइम घंटा 2 घंटे आप इसे चला सकते हैं, अगर ज़्यादा चलाएँगे तो ये हीटअप करके ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा या फ्यूज़ वगैरह सड़ जाएगा। तो ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ें होती हैं, तो बस आपसे इतनी की गुजारिश है कि जब भी मतलब कि अगर आपने इसे यूज़ करना है, काम करेगा, जैसे अभी आपको दिखाया है, डेमो भी चेक करवाई है, ये वॉशिंग मशीन चलाकर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये 1500 वाट तक लोड उठाएगा। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ
इतनी की कार आमद है कि इस पर आप घंटा डेढ़ दो घंटे, हाँ अगर इसके मुताबिक 1500 वाट है जैसे, इस पर अगर हम 500 वाट तक लोड डालें तो इसको प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर हम जैसे 1500 वाट है इस पर 1000 वाट या 1500 वाट ही लोड डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कम चलेगा। हाँ अगर हमने कोई ऐसी चीज़ चलानी है जो लोड ज़्यादा लेती है तो हम इसको तकरीबन कम से कम आधे पौने घंटे बाद इसको रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद चलाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियोस। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सोलर के मुतालिक और मोटरसाइकिलों के मुतालिक अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो जिन दोस्तों को शौक है और ख़ुद ही काम करने का तो उनके लिए तो हमारा चैनल बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।